हरदोई में राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति के तत्वावधान में एसपी के पास पहुंचे चौकीदारों का कहना है कि ग्राम चौकीदारों का शोषण किया जाता है, जो बंद कर दिया जाए। 9 और 13 अध्याय पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक उनसे ड्यूटी कराई जाए, न्यूनतम मजदूरी दी जाए और नियमित भी किया जाए। इसके साथ ही सफाई कर्मियों की तरह वर्दी दी जाती है, जो बंद कर दी जाए सम्मानित वर्दी दी जाए। एसपी केशव चंद गोस्वामी ने चौकीदारों से उनकी समस्याओं को जाना और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने बताया कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे समस्त उत्तर प्रदेश में जितने भी ग्राम प्रहरी हैं, हम लोग जनपद बाई जनपद पुलिस अधीक्षक और डीएम महोदय को अवगत करा रहे हैं। लगातार इनके साथ जो बर्बरता की जाती है कि कई थानों पर इनसे बेगारी कराई जाती है, काम करवाया जाता है, जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन धुलना, यदि वो नहीं करते हैं तो इनका वेतन काट दिया जाता है। ये मेन लड़ाई हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कई जनपद में कई थानों पर वर्दी पहनाकर अधीक्षक महोदय ने इन लोगों को सम्मानित किया है, लेकिन आज कई थानों पर इन लोगों से सवाल ये पूछा जाता है कि आप वर्दी किस बेस पे पहन रहे हैं, जबकि पुलिस रेगुलेशन में वर्दी का ही जिक्र किया गया है। तो वर्दी इनको एक झोला की तरह दी जा रही है, जैसे एक सफाई कर्मी होता है, जबकि एक पुलिस विभाग के विभिन्न अंग हैं। मुझे लगता है कि इनको एक सम्मानित वर्दी देनी चाहिए, जो कि एक अंग्रेजों के गुलामों अंग्रेज के ज़माने में जो गुलामियत की वर्दी थी, वो आज भी इन्हें वितरित की जाती। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा देश बदल रहा, उस हिसाब से इनके भी हालात बदलें। तीसरी चीज़ ये कि ये लोग न्यूनतम अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, जो मजदूरी चल रही है, लेकिन इनसे 28 दिन 30 दिन की ड्यूटी कराने के बाद इनको सिर्फ 2500 रुपये ही भुगतान किया जाता है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? हमारा नाम अनूप कुमार त्रिपाठी है और मैं इनका पूरा एक संरक्षक या अध्यक्ष कह दूँ, मैं लीडर बनकर के विगत 4-5 साल से इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये हमारे ग्राम पुलिस हैं, चौकीदार जो आए हैं, तो इनकी समस्या थी कि कभी कभी थाने पे इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और लोग कहते हैं कि दीवान जी गाली दे देते हैं, तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। मैंने इनको बताया कि मैं थाने पे जाता हूँ या कभी भी कोई दिन रात की बात हो हमको बताएं तुरंत, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका मुख्य कार्य है सूचना देना, गाँव में सामंजस्य बनाना, शराब दारू गांजा जो बेचते हैं उनका पता लगाना, और महीने में सप्ताह में 2 बार, महीने में कम से कम 4 बार इनको जाना चाहिए, और उनकी तख्ती होती है उस पर हाजिरी लगती है और वहाँ पर इनको एक दिन वेतन भी मिलता है। बाकी जो सरकार सुविधाएं दे रही है, इनको साइकिल दी गई है, टॉर्च दी गई है, साफा मिलता है इनको, और अब वर्दी की बात कर रहे हैं तो वर्दी अगर अनुमन्य होगा तो वो भी आएगा शासन से, वो भी